वर्तमान में महिलाएं सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं, वह फिर राजनीति हो या समाज सेवा, इतना ही नहीं तो उद्योग के क्षेत्र में भी महिलाएं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है और उन्हीं हौसलों की उड़न को नया आयाम देने के उद्देश्य से विदर्भ औद्योगिक संगठन के महिला उद्योजिका विंग एवं सिडबी के संयुक्त तत्वावधान से 23 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक उद्योजिका स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया था। इस समय मेलघाट जैसे दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों से भी महिलाओं ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। दरअसल महिलाएं हर बार कर गुजरने का जज्बा रखती हैं, लेकिन कई बार उन्हें परिस्थिति लाचार कर देती है, परंतु मछली को समुंदर मिले तो वह अपने आप तैरने लगती है। उसी तरह महिलाओं के स्किल और कौशलों को भांपकर यदि सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वह उत्तम उद्योजिका बन सकती है। इसी के मद्देनजर विदर्भ औद्योगिक संगठन के महिला उद्योजिका विंग एवं सिडबी के संयुक्त तत्वावधान से उद्योजिका स्वावलंबन मेला का आयोजन किया गया था। इस समय दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों से महिलाएं अपना प्रोडक्ट लेकर आई थी। इस समय विदर्भ औद्योगिक संगठन के महिला उद्योजिका विंग के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि महिलाएं अपने कौशल के बूते पर विभिन्न उत्पाद बनाती हैं और इस उद्योजिका मेला का हर साल बेसब्री से इंतजार करती है। ये एग्जीबिशन हम लोग पिछले 26 साल से लगा रहे हैं। ये एग्जीबिशन हम लोग उद्योजिकाएं जो होती है, जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स है, वुमन एंटरप्रेन्योर्स, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ये पिछले 26 साल से एग्जीबिशन लगाते हैं। हमें सिडबी का सपोर्ट मिला है, पिछले साल भी मिला था और इस साल भी मिला है। सिडबी की सपोर्ट की वजह से हम लोग हमारा दायरा और बढ़ा पाए हैं हम लोग, और ये मुझे लगता है कि हम सिडबी के सपोर्ट के साथ हम लोग ये कर पाए हैं। वैसे ही हमें कुंदाताई विजयकर, जो कि जिनका ये हॉल है कुसुमते वानखेड़े हॉल, उनका भी हमें हर साल सपोर्ट मिलता है, तो उनके साथ भी हम लोग हमेशा जुड़े हुए हैं और उनके सपोर्ट से ही हम लोग ये कर पाते हैं। मैं उनके वही कहना चाहूंगी कि आप जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है VIA लेडी एंटरप्रेन्योर विंग, हम लोग साल भर ऐसी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हमारी मेंबरशिप भी बहुत ही नॉमिनल है और ये टाइप से हमसे जुड़ने के बाद आपका बिजनेस भी आगे जाने के लिए सहायता होगी। और जो अकेला कोई जो एक काम नहीं कर पाता है, वो जब हम साथ में मिलके करते हैं तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि सब लोग जुड़े रहे और इसी तरह से, और हमने जो गोल मन में डिसाइड किया हुआ है वो जब तक नहीं मिलता तब तक उसके लिए कार्य करते रहना चाहिए, उसके लिए आगे यानी आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे बहुत बार हमें नाकामयाबी मिलती है, बट उससे ना डरते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और उनको सपोर्ट करने के लिए ही हमारी लेडी एंटरप्रेन्योर विंग है VIA के साथ, तो हम लोग उसी के लिए कार्य करते हैं। विशेष रूप से बताया जाए तो इस उद्योजिका मेला में मेलघाट जैसे दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जहां खास तौर पर गढ़चिरौली के भामरागढ़ से सुरेश चंद्र गुगाटी और सहयोगियों द्वारा बनाई गई चीजें, जो पत्थर और ब्रांच के मिश्रण से बनाई गई थी। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उनके प्रोडक्ट का संज्ञान लेते हुए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उन्हें चर्चा हेतु समय दिया गया था और G20 के समय उनके बनाए गए गिफ्ट मेहमानों के लिए भेजे गए थे। उद्योग स्वावलंबन मेला सिडबी बँकेकडून आम्हाला, म्हणजे प्रत्येक बऱ्याच वर्षापासून आम्ही त्यांच्याशी जुडलेलो आहोत, त्या बँकेकडून जुडलेलो आहोत, आणि जुडले असल्यापासून बऱ्याच क्लायंटशी आमचा संपर्क झालेला आहे। आणि स्पेशली सिडबी बँकेकडून जे महिला आहेत, महिलांसाठी उद्योगांसाठी महिलांना आम्ही इन्वॉल्व केलेलं आहेत। आज आमच्याकडे जे ढोकरा 8 मध्ये, याच्यामध्ये नवीन नवीन आम्ही संकल्पना केलेल्या आहे, वेगवेगळे डिझाईन्स इनोव्हेटिव्ह केलेले आहे, जसं ऑर्गॅनिक कास्टिंग झालंय, बारक्वेरी असतात किंवा पॉटरी आणि ब्रासचं कॉम्बिनेशन करतोय, अशामध्ये विविध प्रकारचे पेंडेंट्स वगैरे बायका बनवतात आणि 35 बायका या जुडलेल्या याच्यामध्ये। आणि तुम्ही बघू शकता की टोटली ऑर्गॅनिकपासून सगळे काही काही वस्तू बनवलेल्या आहेत आणि हे अशा पद्धतीचे जे वस्तू आहेत बाकीच्या मार्केटमध्ये बघायला मिळणार नाही। सो याच्यामध्ये आमचे जे आर्टिस्ट लागलेले आहेत, सुरेखा पुंगाटी माझी वाईफ आहे, ती स्वतः ही आहेत आणि रिंकी वगैरे इथंच आहेत, त्या सुद्धा सगळे बनवतात। सो स्वावलंबन मेला सिडबी बँकेकडनं आम्हाला जे प्रोत्साहन मिळालं आणि आम्हाला जे प्लॅटफॉर्म मिळालं त्यामध्ये आम्ही त्यांचा आभारी आहोत। थँक्यू। मी सुरेश चंद्र पुंगाटी, मला या फील्डमध्ये 28 वर्ष कम्प्लीट झालेले आहेत आणि हे अगदी गडचिरोली जिल्हा भामरागड तालुक्यामधनं आम्ही आलेलो आहेत। आणि त्या इंटेरियर भागामध्ये आम्ही तिथं जो ही वस्तू बनवतो तो
स्टोन आणि ब्रासचा फ्युजन, स्टोन आणि ब्रासचा फ्युजन आज आम्हाला याच्यामध्ये पेटंट मिळालेलं आहे. जगात आजपर्यंत कोणीही केलेलं नव्हतं. 5000 वर्षानंतर हा पहिला इनोव्हेशन आहे. जस्ट रिसेंटली आता राष्ट्रपती मॅम इथं आलेले, त्यांच्यासोबत मला 7 मिनिटं मिळाल्या त्यांच्यासोबत बोलण्यासाठी. त्यांना हे सगळे मी सविस्तर सांगितलं, त्यामुळे तेव्हा त्या लोकांनी म्हणजे मॅमने खूप अप्रिशिएट केलं की अशा पद्धतीने पण आपला इंडियामध्ये बनतात. आणि त्यांनी आम्हाला शुभेच्छा पण दिली, कधी जर आवश्यकता पडली तर दिल्लीला येऊन भेटायला पण सांगितलंय. G20 जे काही गिफ्ट गेले ते सगळे आमच्याकडनं गेलेले होते. सो थँक्यू व्हेरी मच. हमारा स्टॉल सीडबी के द्वारा आयोजित किया गया स्वावलंबन मेला में, ये पिछले साल भी हमारा स्टॉल लगा था यहाँ पे, जहाँ पे हमको फर्स्ट पुरस्कार मिला था. और इस साल भी हमको अच्छा एक्सपीरियंस आया है स्टॉल में. स्टॉल में सभी बाम्बू की चीज़ें बनी है, जैसे ये पेपर वेट है, टी टोस्टर है, ये सभी आदिवासी लोगों ने तैयार की हुई है. इससे हमको कैसे रोजगार उपलब्ध हुआ है आदिवासी लोगों को. और जैसे ये शोकेस बाम्बू का है, ये स्टैंड है, जो ये जो लड़की बात नहीं कर पाती है ये उसकी ये खासियत है हमारे स्टॉल में. और ये हमारा स्टॉल है ये मेड़घाट आदि चिकलधारा में, यहाँ से हम लोग संस्था से हमारी प्रोवाइड करती है ये सभी चीज़ें. My name is Rakshanda and I am representing the Pranic Healing Stall. Pranic Healing is a no touch and no medicine therapy actually. ये चारों aspect पे काम करता है, any kind of emotional, mental, physical, any kind of psychological issues Pranic Healing से treat हुए हैं and बहुत अच्छे results आए हैं and बहुत अच्छा curable भी है and it's complement to medical science. आज हमारे स्टॉल में सारे प्राणिक हीलिंग का ट्रीटमेंट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने कुछ कुछ क्रिस्टल्स भी रखे हैं लाइक ऑरा स्प्रे एंड कॉफी सॉल्ट्स. ये सॉल्ट्स हैं, उसमें कुछ फ्लेवर्स हैं सम एंड उसकी सम कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके लिए भी हमने कुछ सॉल्ट रखे हैं. एंड जो जनरल यहाँ पे जो पब्लिक आया उनके लिए भी जो डेली यूजेस में जो क्रिस्टल्स उनके लिए सूटेबल है वो भी क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं हमारे पास एंड पेंडेंट्स रखे हुए हैं सारे. साथ ही साथ कुछ ऐसे भी स्टोन हैं जो घर की प्रोटेक्शन, घर की नेगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब करने वाले भी स्टोन से, साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने वाले भी स्टोन से हमारे पास ऐसा. एंड एक्चुअली हमारा ऑफिस है एट सिविल लाइंस करोड़पति गली हिस्लॉप कॉलेज के अपोजिट. प्लीज विजिट. थैंक यू. कुसुम ताई वानखेड़े सभागृह में आयोजित इस स्वावलंबन मेले का लाभ लेते हुए कई महिलाओं ने अपने स्किल और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन अपने स्टॉल के माध्यम से किया. वीआई लेडी एंटरप्रेन्योर्स विंग और सीडबी के सहयोग से आज यहां पर जो है महिला उद्योजिका मेला का यहां पर आयोजन किया गया, जो कि 4 दिन चला. महिला सशक्तिकरण की बात करने से सिर्फ कुछ होगा नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए आगे बढ़कर कुछ करना चाहिए, यही एक प्रयास था वीआई के लेडी एंटरप्रेन्योर विंग का. और सीडबी के सहयोग से यहाँ पर काफी महिलाओं ने इसका सहभाग लिया और इन्हें नागपुर का, वासियों का और पूरे विदर्भ का भी काफी अच्छा सहयोग मिला. कैमरा पर्सन अजीत के साथ रत्नाकर की रिपोर्ट, एनबीसी न्यूज के लिए. कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ मनीष टिमरी और रत्नाकर मलिक की रिपोर्ट.